हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज होने में बस अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों ने कमर कस ली है। सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है। आईपीएल से पहले रोहित शर्मा काफी सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। सुर्खियों में बने रहने की वजह मुंबई इंडियंस द्वारा कप्तानी से हटाना है, जिसके चलते उन्होंने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था। रोहित शर्मा आईपीएल में ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल तक खेलने का काम कर सकते हैं। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। रोहित शर्मा अगले सीजन में सीएसके में जाकर उनकी कप्तान की कमान संभाल सकते हैं। रोहित शर्मा ने अभी कोई टिप्पणी आधिकारिक रूप से नहीं की। 5 बार खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियन ने जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया तो काफी बुराइयों को झेलना पड़ा। रोहित शर्मा इस साल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर सकते हैं। अभी रोहित शर्मा ने सामने आकर इस पर किसी तरह का बयान नहीं दिया। हेलो दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो